शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको पांच वक्त का नमाजी बना दे। आज जो मैं आपको हदीस मुबारका से शुरू करूँगी, आज का अमल भी बहुत नायाब है, बहुत अजीम है, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हदीस मुबारका से शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने हम पर नाहक असला उठाया वो हम में से नहीं, और जिसने हमें धोखा दिया वो भी हम में से नहीं, यानी वो ईमान से खारिज है। ये हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान में भी आई है। और अब आ जाएं अपने वजीफे की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी, दिल की हर मुराद हर ख्वाहिश पूरी होने का ये वजीफा है। आज आपको एक ऐसा अमल बता रही हूँ जिससे आप अपने दिल की हर हाजात ख्वाहिशात और रब के सामने रख के अपने रब से हर वो चीज मांग सकते हैं जो आपकी दिल की ख्वाहिश है। अल्लाह पाक आपको अता करे और अताए अजीम फरमाए। इस इस्म के साथ जो भी आप मांगोगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करेंगे और अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। इस इस्म का इतना बड़ा कमाल है कि अल्लाह पाक के ये नाम रात के वक्त जब आप सोने लगे तो सजदा की हालत में बावजू होकर 100 बार बस आप पढ़ें, फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रख कर सो जाएं। इंशाल्लाह सुबह जैसे ही आपको ये बात ख्याल आए, उसी वक्त आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो इसमें मुबारक ये है कि आपने पढ़ना क्या है, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। ठीक है, ये पांच मुबारक हरूफ हैं, इनको पढ़ के आपने सजदे में पढ़ के तो सो जाएं सच्चे दिल से। जो भी दिल में बात आए, अगर कोई आप, ये एक ऐसा नायाब तरीका है कि आप इसमें इस्तखारा भी कर सकते हैं। आप ये पढ़ के सो जाओ सुबह सच्चे दिल से, जो भी काम आपके जहन में आए, अगर उसको ना करने की आए तो वो काम ना करें, अगर आप उसको करना चाहते हैं और बड़ा दिल कर रहा है कि वो काम हम कर डालें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी होगी। आप ये अमल जरूर कीजिएगा, बहुत प्यारा अमल है, लेकिन बावजू होकर। तो एक बात याद रखिये, हर मुराद हर ख्वाहिश रिस्क दौलत जॉब तरक्की किसी भी किस्म का कोई मसला है उसके लिए ये करेंगे इंशाल्लाह, ये एक ऐसा इस्म आजम की तरह है कि जैसा हजरत यूनस लेसा मछली के पेट में जब उन्होंने इस्म आजम पढ़ा था, या अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक हम ही गुनाहगार हैं, आप तो बुलंद और बाला और अजीम जात है, तो अल्लाह पाक ने उनको भी माफ फरमा दिया। तो ये भी एक इस्म की तरह काम करता है, तो आप भी ये करें इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरे वज़ाइफ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।